आज हम देने वाले हैं कुछ आंसर्स जो कि आपने क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे हमसे। तो अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, हमें फॉलो करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं अर्पित स्पेस जेम्स। मैं कोशिश करता हूं कि वहां पर आपके सारे रिप्लाईज दे सकूं, और अगर नहीं दे पाता जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो उस पे वीडियो ही बना देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है कृष्णा कुमार ने। ये भाई कहते हैं कि जहां पर ये ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पर तीन लड़कियां चार लड़के पढ़ते हैं। एक लड़की उनके पास बैठती है, उनकी बातों पे हंसती है और ऐसा लगता है कि उनसे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनकी तरफ देखना बंद कर देती है, उनकी बातों पे हंसती नहीं है यानी कि भाव नहीं देती। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनसे बहुत प्यार करते हैं। देखो एक चीज समझो कि तुमने यहाँ पर जिक्र किया है ट्यूशन का। ट्यूशन बहुत ही जानलेवा जगह होती है क्योंकि ट्यूशन अक्सर हमारे घर के पास होती है। ट्यूशन यानी कि आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि उसको देख रहे होंगे, जो कि आपको देख रहे होंगे। अब क्योंकि तुम लड़के हो तुम्हें देखे ना देखे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को फर्क बहुत पड़ता है। तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लड़की बाहर आपको देखेगी हंसेगी, भाई ऐसा लड़की नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही रिस्क है कि आसपास के लड़के देख रहे होंगे, लड़कियां देख रहे होंगी, और हो सकता है उसके घर के आसपास का कोई बंदा देख रहा हो। और जैसा तुमने कहा कि ट्यूशन के अंदर वो हंसती है भाव देती है, तो भाई हंसना कोई बड़ी बात नहीं होती, लड़कियां लड़के आजकल हंसते हैं हर बातों पे। और मेन चीज तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, तो पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि प्यार मोहब्बत को साइड में रखो, पहले उससे बात करो, उसको जानो, उसको पहचानो वो क्या है कैसी है। इसके लिए आपको ट्यूशन के अंदर की जगह का चुनाव करना पड़ेगा, ट्यूशन के बाहर वो आपको भाव नहीं दे सकती। तो ट्यूशन के अंदर वो आपकी बातों पे हंसती है, आपको भाव देती है, मजे लेती है, तो उससे बात करो। और ये चीज भूल जाओ कि लड़की तुम्हारी बातों पे हंस रही है, तुम्हें देख रही है, तो इसका मतलब प्यार करती है, लड़कियां ऐसे मजे लेती रहती। दूसरा क्वेश्चन है प्रद्युमन भाई का, जिसपे कहते हैं कि वो लड़की शायद इनको पसंद करती है क्योंकि आसपास जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, और ट्यूशन पे भी इनकी बातों पे हंसती है, इनको देखती है, लेकिन जैसे उसको पकड़ लेते हैं वो देखना बंद कर देती है, वो इनसे कुछ फ्लर्ट भी करती है। तो इनको क्या करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो प्रद्युमन भाई, तुम्हारी बातों से ये तो जाहिर होता है कि लड़की तुम में इंटरेस्ट लेती है, प्यार करती है, पसंद करती है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट जरूर लेती है। अब इंटरेस्ट लेती है तो तुम सीधे प्रपोज पे कहां जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी प्रपोजल पे ही क्यों चली जाती है यार? लड़की ने देख लिया हंस दिया तो तुम सीधे प्रपोज पे पहुंच जाते हो, प्रपोज करूं कि ना करूं? अरे मेरे भाई उससे बात तो कर लो। फ्लर्ट करती है, बहुत ही अच्छी बात है कि फ्लर्ट करती है, पहला हिंट। दूसरा हिंट, जब भी तुम उसको देखते हो पकड़ लेते हो तुम्हारी साइड से नजरें हटा लेती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको प्रपोज ही मार दो, उसको भी जानो, से बात करो। अब क्योंकि वो यहां पर इंटरेस्ट ले रही है आप में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगी। जहां तक समझ में आया है मुझे कि वो आपके ट्यूशन में साथ पढ़ती है, शायद कॉलेज में भी है, स्कूल में भी पढ़ती हो, तब उससे वहां पर बात करो, उसको जानो, उसको पहचानो। आप चाहो तो उससे कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जहां पे भी बातें करना चाहो वहां पर बातें करो। और अगर वो आपसे फ्लर्ट करती है तो तुम भी फ्लर्ट में कुछ ना कुछ बोल दिया करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लड़की हाँ करेगी या नहीं। जैसे कि तुमने कहा कि वो तुमसे कहते कि टेक मी टू योर होम, लेट्स गो टुगेदर, तो तुम भी कह सकते हो कि जाकर करेंगे क्या पर। तो ऐसी छोटी छोटी फ्लर्टी लाइंस होती है, तभी कहना जब लड़की ऐसे अंदाज में फ्लर्ट करे तभी। तो प्रपोजल पे मत जाओ, अभी बातचात करो, जो भी वो फ्लर्ट कर रही है उसका फ्लर्ट का रिप्लाई फ्लर्ट में दो, लेकिन ज्यादा आगे मत बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन है सागर भाई का। सागर भाई कहते हैं कि एक सिक्स क्लास में एक लड़की के साथ पढ़ते थे, ट्वेल्थ में वो दोनों अलग हो गए, बचपन से वो इनकी क्रश रही है और बहुत ही उससे प्यार करते हैं। अलग होने के बाद ये जब भी उससे बात करते हैं तो इनकी बातों में इंटरेस्ट लेती है, लेकिन इनको शक है कि ये फ्रेंड ज़ोन्ड हो चुके हैं, क्योंकि जब भी ये फ्लर्ट करते हैं तो लड़की फ्लर्ट का रिप्लाई नहीं करती। ये कहते हैं कि लड़की शेयर करती है अपनी बातों को इनसे, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती है। ये कहते हैं कि उसको पता है कि वो इनकी क्रश है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, इनके बातों को फ्लर्ट पे रिप्लाई नहीं करती तो ये क्या करे? देखो जैसा मैं समझ पाया हूं कि ये बहुत ही पुरानी दोस्ती हो, इतनी पुरानी दोस्ती के होने के बावजूद अगर वो नहीं पटी तो ऑब्वियसली तुम जहां तक फ्रेंड ज़ोन्ड हो चुके हो, अब ये तुमसे दूर भी हो चुकी है, सिक्स्थ क्लास में पढ़ती थी अब तो दूर हो चुकी है, तो तुम ये तो भूल ही जाओ कि तुम्हारे फ्लर्ट का रिप्लाई फ्लर्ट में करेगी, क्योंकि जहां पर तुम दूर हो जाते हो वहां पर कॉन्टेक्ट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके वहां पर कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, नए नए फ्रेंड्स बने होंगे, तो अगर वो नए फ्रेंड्स बने हैं उनसे रोज रोज बातें होती है तो तुम्हारे पे ध्यान कहां जाएगा? और ऐसे में अगर वो तुमसे एकाध बात शेयर कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और तुमने खुद ही कहा कि वो अपने दोस्तों से भी बहुत सारी बातें शेयर करती है, इसका मतलब यही है कि वो उनके ज्यादा कॉन्टेक्ट में है, उनसे ही ज्यादा बातें करती है, तो तुम्हारा बहुत ही मुश्किल है उसके पीछे पड़ना। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो छोड़ दो मेरे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम फ्रेंड ज़ोन होने की कगार पे हो या फ्रेंड ज़ोन हो चुके हो। मेरी मानो तो पीछा छोड़ दो, क्योंकि बहुत पुराना भाई दोस्ती हो चुकी है, दोस्ती तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, उसके पीछे पड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम्हें एक नई लड़की चूज करनी चाहिए, उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करो, प्यार मोहब्बत में पढ़ना बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडविड भाई का। ये कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक लड़की रहती है, उनसे थोड़ी मोड़ी बातें हो जाती है, ये उनको पसंद करते हैं, इवन कि उसकी मॉम ने इनको कहा कि वो उसको स्कूटी सिखा दे, इन्होंने उसको 4 दिन तक स्कूटी भी सिखाई। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रपोज कर दे, लेकिन प्रपोज कर नहीं पा रहे क्योंकि वो इनसे थोड़ा कम बात करती है, ऐसे में इनको प्रपोज करना चाहिए
कि नहीं करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में तुमने कहा कि तुम दोनों की अच्छी खासी बात हो जाती है और लास्ट में तुम कहते हो कि वो बहुत ही कम बात करती है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही कम बात करती है, लेकिन जितना भी बात करती है अच्छे से बात करती है। तुम्हें चाहिए ये कि बातों का सिलसिला ज्यादा करो, कम बातों में अच्छी बातें हो रही तो समय को ज्यादा बढ़ाओ और प्रपोजल पे कहां तक पहुंच रहे हो मेरे भाई, पड़ोस की लड़की है प्रपोज कहां मार रहे हो। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि प्रपोजल कभी मत मानना जो आसपास की पड़ोस की लड़की हो, क्योंकि ऐसे में रिश्ता भी खराब हो सकता है। प्रपोज मारे बिना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आराम से बन जाएगी, कोई भी बड़ी बात नहीं, आराम से उससे बात करो। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उसको भी यही डर है कि अगर उसकी मम्मी को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो प्रपोजल पे मत जाओ, नॉर्मल उससे बात वगैरह करो, उससे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे बात करो और चाहो तो रियल में ही बात कर सकते हो। उसकी मम्मी ने तुम्हें स्कूटी सिखाने के लिए कहा तो उसके घर आना जाना तो ऑब्वियसली हो गई, तो उसके घर जाओ, उससे बात करो, उसकी मम्मी को पटाओ। देखो पड़ोस की लड़की को पटाने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसके घर वालों को पटा लो, लड़की तो यूं पड़ जाती है। तो प्रपोजल के चक्कर में मत पड़ो, भी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार 98 भाई का। ये कहते हैं कि इनका पट्टा से हेडशॉट नहीं लग पा रहा है, यानी कि एक लड़की को इन्होंने प्रपोज किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके बाद ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने, फ्रेंड्स बनने के बाद रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन एक महीने बाद इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़की ये कहती थी कि वो इनके साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती, लेकिन वो अपने दोस्तों को कहती है कि लड़का दिल का साफ है, अच्छा। इन्होंने उसको जब 10-15 दिन के लिए इग्नोर किया तो लड़की इनको फोन कॉल करती है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए। देखो मेरे भाई एक चीज समझो कि जिस लड़की को तुमसे कोई फीलिंग्स ही नहीं थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन कैसे गई, और अगर वो बिना फीलिंग्स के तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बन सकती है और एक महीने बाद ब्रेकअप कर सकती है तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं विदाउट एनी फीलिंग्स। और तुम उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो जब वो तुम्हें भाई फीलिंग्स रखती ही नहीं है, प्यार मोहब्बत करती नहीं, तो क्या फायदा। और जो बातें होती है ना कि लड़का दिल का साफ है, ये साफ है, वो भाई ये सब बकचोदी होती है, इसके चक्कर में कतई ना पड़ना। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुमने 10-15 दिन के लिए उसको इग्नोर किया ना, तो कोशिश करो कि और इग्नोर करो, उसका पीछा छोड़ो। ऐसी लड़कियां चाहती हैं कि कोई ना कोई मर्डर गस्ती करने के लिए हो, कोई ना कोई मस्ती करने के लिए उनके पास हो, इसीलिए जब तुमने उससे 10-15 दिन तक बात नहीं की तो आपसे बात करना चाह रही है क्योंकि उसको मस्ती सूझ रही है। तो साइड हटाओ यार, उसके चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई का जिन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है। तो भाई कहते हैं कि एक लड़की का दिल टूटा हुआ था, शायद उसका कोई एक्स रहा होगा, ब्रेकअप हो गया होगा। अब इन्होंने सोचा कि भाई दिल टूट चुका है तो क्यों ना मैं पटा लूं। पटाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसको इन्होंने मोटिवेशन दी होगी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेबी, ऐसा है वैसा है। इनको लगा कि जब वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो लड़की इनके पास आ जाएगी, लेकिन लड़की ने उल्टा इसका फायदा उठा लिया। लेकिन जैसे ही उस लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो लड़की इनसे दूर हो गई। मेरे भाई एक चीज समझो कि जब भी किसी लड़की का ब्रेकअप होता है और तुम उसको पटाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, या तो पट जाएगी या तो काट जाएगी, क्योंकि 50-50 होता है। क्योंकि यहाँ पर लड़की डिमोटिवेटेड है, उसको कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए, कोई चाहिए कि जो उसको मोटिवेट करे, तो आसानी से तुमसे बात कर लेगी, आसानी से तुम उसको मोटिवेशन दे रहे होगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ हाँ कर देगी, प्रपोज कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मोटिवेशन उसको मिल जाती है, जैसे ही वो खुश हो जाती है, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व, लड़की सोचती है अब इसकी जरूरत क्या है। और ऐसे में 99% केसेस में यही होता है कि लड़की अपने एक्स के पास दोबारा स्विच मारती है, क्योंकि लड़के को फायदा तो उठाना ही है, लड़के को तो चाहिए जो उसको पहले मिलता था। अब लड़का तो कोशिश करेगा कि भाई लड़की दोबारा आ जाए। लड़का सीरियस हो ना हो, लड़की लेकिन सीरियस होती है, वो चीजें बकचोदी मचाते हैं। तो मेरी बात यही समझो कि जिस लड़के का ब्रेकअप हुआ हो उसको थोड़ा इतना ज्यादा पीछे मत पड़ो, मोटिवेशन दो एज अ फ्रेंड, उसको मोटिवेट करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ऐसे में लड़कियां बहुत तगड़ा काटती है। कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि वो क्लोज आ जाएगी, वो ये कर देगी वो कर देगी। उसको समझाओ कि तुम्हारे एक्स ने गलत किया, तुम्हारी गलती थी, उसकी गलती थी, जो भी उसको बताओ। जब वो सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया एज अ फ्रेंड। अब वो लड़की उसके पास दोबारा जाना चाहे तो दोबारा जाए, लेकिन एक बार लड़की दोबारा वहां पर जा रही है तो उसको समझाने की कोशिश मत करना, उसको समझ जाना कि वो लड़की फ्रॉड है, उसको जान दो। और एक चीज याद रखना कि जिस बंदी का एक्स होता है बहुत ही प्यार करती है ना, उसके बाद उसको पटाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे, क्योंकि आधे टाइम लड़की यही कह रही होगी कि मुझे अपने एक्स की याद आ रही है, मैं क्या करूं, आई एम मिसिंग हिम, यार वो जैसा भी था ना बहुत अच्छा था यार, मैं अभी भी उसको प्यार करती हूँ। फिर कहेगी अरे वो बहुत ही बदतमीज था, बहुत ही कमीना था। फिर कहेगी नहीं यार आई रियली मिस हिम यार, वी यूज्ड टू टॉक बहुत अच्छा अच्छा। लड़कियां काटने में बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं, तो ऐसे में तुम्हें अपने नहीं कटवाना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिव ब्लू भाई का। ये कहते हैं कि इनकी बहन की एक दोस्त है जिनको कि ये पसंद करते हैं, उसने इनको अपना नंबर भी दिया, इनकी बात भी हुई, बाकी चीजें भी चलती रही, इन लोगों की अच्छी खासी बात होती है, लेकिन ये कहते हैं कि वो लड़की एक लड़के को पसंद करती थी और शायद आज भी करती है, लेकिन ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। ये पूछ रहे कि ये उनको कैसे पता इनका मन है उसके साथ रिलेशनशिप में आने का, और इनको लगता है कि शायद वो भी आना चाहती है लेकिन आ नहीं रही। ये जब भी उसको कॉफी पे जाने के लिए, बाहर घूमने घामने के लिए बुलाते हैं तो मना कर देती है।
देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहली प्रॉब्लम तो ये जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लड़की तुम्हारे बहन की दोस्त है। ऐसे में अगर तो तुम्हारी सिस्टर जी बहुत ही ओपन है, बहुत ही अच्छी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो भाई बहुत मार पड़ेगी। और शायद इसी का कहीं ना कहीं दबाव मेरे को उस पे महसूस हो रहा है, क्योंकि वो लड़की बाहर जाने के लिए मना कर रही है। क्योंकि तुमने कहा कि वो बात बात तो अच्छे से करती है, लेकिन बाहर जाने के लिए मना कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये डर है कि अगर उसकी फ्रेंड को यानी कि तुम्हारी बहन को पता चल गया तो बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़के को प्यार करती थी, जो कि कंफ्यूजन में हो तुम कि आज भी करती है या नहीं करती। तो पहले तुम्हें ये पता करना चाहिए कि वो लड़की उस लड़के को अभी भी पसंद करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तब तो तुम कोशिश करो, और अगर करती है तो कोशिश मत करो। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपकी बहन इस चीज से कंफर्टेबल होगी। अगर आने वाले टाइम में मान लो तुम गलती से रिलेशनशिप में आ गए, तो तुम्हारी बहन का रिएक्शन क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे प्यार मोहब्बत के चक्कर में तुम्हारी बहन की अच्छी खासी दोस्ती चली जाए? अगर ऐसा होगा तो भाई अपने बहन के दोस्त के पीछे मत पड़ो। लेकिन अगर तुम्हारी बहन बहुत ही कूल है, बहुत ही ओपन माइंडेड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, करो मोहब्बत। और अगर तुम्हारी बहन ओपन माइंडेड है तो कोशिश ये करो कि तुम तीनों बाहर घूमने जाओ, बात-बात करो, नॉर्मली जो भी करना है वो करो। एक बार तुम्हारी बहन के साथ वो चली जाएगी तुम्हारे साथ, तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो सकती है। बट यू नीड योर दीज सपोर्ट। अगर वो ओपन माइंडेड है, वो सपोर्टिव है, तब तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो भैया दूर रहो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूं, तो इंस्टाग्राम पे फटाफट जाओ, वहां पर सर्च करो अर्पित जेम्स, वहां पर हमें फॉलो करो और फॉलो कर देना, ताकि आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपका आंसर मैं वहीं पे रिप्लाई करके दे देता हूं, और अगर नहीं दे पाऊंगा तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उससे वीडियो ही बना देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, हमें फॉलो करिए और अपने क्वेश्चंस को पूछिए।